मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव की दृष्टि से प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री हिमंत विश्व शर्मा जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता में मंच पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अपने नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावड़ी जी मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और ऐसे विलंब हो चुका है इसलिए मैं सीधे भारतीय श्री हिमंत विश्व शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच आज के संदर्भ में अपनी बातों को रखें। मान्य पत्रकार बंधुगण, थोड़ा सा मेरा हिंदी ऐसे भी दुबला है तो आप लोग बातचीत करने से मैं भूल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। पीछे में भी जो हमारा कार्यकर्ता लोग है थोड़ा सा शांत हो जाइए। आज झारखंड प्रदेश का चुनाव दृष्टिकोण से हमारा पहला बार चुनाव समिति का बैठक भी होगा और चुनाव समिति का बैठक का साथ साथ आज हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा जो हम लोग से परमंडल में निकालने वाला हो उसको उस पूरा यात्रा को भी एक फाइनल रूपरेखा देने के लिए आज हम लोग बैठेगा और चुनाव कमिटी बैठने का साथ साथ ही हमारा जो चुनाव का तैयारी ये विधिवत रूप से आज से ही शुरू हो जाएगा। पत्रकार बंधुगण, आज झारखंड प्रदेश में हमारा सामने हर दिन नया नया चुनौती आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो चुनौती है ये बीजेपी का चुनौती है। हमने जैसे घुसपैठियों का समस्या का जिक्र किया था, वादा खिलाफी का बारे में आप लोगों से बातचीत किया, ये सारा समस्या झारखंड का जनता का जीवन से जुड़ा हुआ है। आज इसी सिलसिले में हमने और एक बातें आप लोगों का साथ रखना चाहता हूं जो झारखंड का युवाओं का जीवन का साथ जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश जो भारत में हर प्रदेशों में पुलिसों का बहाली होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं और एक नियम का अनुसार पुलिस का नियुक्ति होते हैं। हमने आर्मी का भी नियुक्ति देखा हूं, लाखों युवाओं ये नियुक्ति में भाग लेते हैं। हमने CAPF का जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है उनका भी हमने नियुक्ति देखा हूं, जो नियुक्ति में लाखों युवाओं पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा प्रदेशों में भी ऐसा नियुक्ति होता है, हर प्रदेशों में नियुक्ति होते हैं। जब से मैं असम का मुख्यमंत्री बना तब से लगभग 6 से 8 हजार कनिष्ठबलों का बहाली होते है हर साल। सब लोग जानते हैं कि कनिष्ठबल या पुलिस नियुक्ति में फिजिकल टेस्ट एक बहुत बड़ा उनका कंपोनेंट होते हैं। बिना फिजिकल टेस्ट पुलिसों में बहाली नहीं हो सकता है, तो इसीलिए उसके लिए जलवायु का अनुसार समय सीमा निर्धारण किया जाते हैं। जब जलवायु या जो हमारे जो वेदर अनुकूल होते हैं तभी पुलिस का फिजिकल टेस्ट लिया जाते हैं और उसी अनुसार पुलिस का नियुक्ति किया जाते हैं। झारखंड सरकार ने जो एक बहाली का व्यवस्था शुरू किया उन्होंने ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है 1 जून में इसको इनवाइट किया, 10 जुलाई में फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट रखा, एडमिट कार्ड 23 अगस्त 2026 में दिया। अभी आप देखिए जब अगस्त 2023 में ही
ये परीक्षा का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हुआ करता था या लास्ट डेट हुआ था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो समय सीमा ऐसा फिजिकल टेस्ट के लिए अनुकूल रहते हैं, उसी समय ये लोग ये फिजिकल टेस्ट का सिलसिला खत्म कर के अपॉइंटमेंट देने का काम शुरू कर सकता था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, 10 जुलाई 2023 का लास्ट डेट रहा, फिजिकल टेस्ट उन्होंने शुरू किया 22 अगस्त 2026, मतलब पूरा एक साल का बाद। और ये अगस्त सितंबर महीना कैसा होता है, जब सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होता है। परिणाम क्या हुआ, ये इंटरव्यू एक नौकरी का तलाश में जब गरीब घरों से, गरीब फैमिली से लोग आए फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा पास आज का ताजा जो खबर है उसका अनुसार 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है। हमारे पिंटू कुमार राजा थे, महेश महातो, अमरेश कुमार, सर्वज्ञ यादव, अजय कुमार महातो, प्रदीप कुमार, अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, महेश महतो, सूरज कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शाह, सुमित यादव, विकास लिंडा, दीपक पासवान, अरुण कुमार, ये 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है। अपने पुलिस इंटरव्यू में आए, एक जब वातावरण वायुमंडल पूरा गर्मी से भरा हुआ है, वो समय उनको फिजिकल टेस्ट देने के लिए सरकार ने उनको कंपेल किया, और फिजिकल टेस्ट देते हुए 15 युवाओं का निधन हुआ, मृत्यु हुआ। हमारा देश में कभी भी सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है, कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है। आपने बहाली का लास्ट डेट में जैसे बोला था जुलाई 2023 में आपने निर्धारण किया था, आपने फिजिकल टेस्ट अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते थे, किसी युवाओं का निधन नहीं होते थे। आज आपने एक फिजिकल टेस्ट का आपने फॉर्मेट बनाया, और आपने लोगों को कंपेल किया कि गर्मी में भी आप दौड़ो। युवाओं का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, और बिना मेडिकल चेकअप, बिना हेल्थ चेकअप युवाओं को आपने आप दौड़ने में दौड़ने के लिए आपने मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हृदय स्पर्शी घटना को हम हमारे जितना भी शक्ति है, ये शक्ति से हम इसको निंदा करता हूं। हेमंत सोरेन जी और उनका सरकार अभी युवाओं का मृत्यु का कारण बन चुका है। ऐसे बड़ा दुर्घटना हमारा देश में कोई कोने में आज तक नहीं हुआ है। हमने निर्णय लिया हूं कि ये युवाओं का मृत्यु का इंक्वायरी करने के लिए कि 2023 से आप 2026 तक क्या करके बैठा था, वो समय आपने फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया, हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम अर्जी डालेगा कि इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए, और पूरा ये 15 परिवारों को आप कंपेंसेट कीजिए, उनका घर में आप एक नौकरी दीजिए, 50 लाख रुपया का कम से कम आप मुआवजा दीजिए। एक एक युवाओं का जो ऐसे हत्या हुआ है, निधन हुआ है, हमारा झारखंड के लिए यह अपूरणीय क्षति है। हमारे बीजेपी का ओर से हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम पिटीशन डालूंगा, और हमारा रिक्वेस्ट होगा
हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम 15 सितंबर तक 15 दिन आप ये बहाली को रुक दीजिए। 15 सितंबर तक जलवायु में परिवर्तन होगा, बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए सिचुएशन अनुकूल बन जाएगा। आप उनके लिए जब दौड़ने का पहले हर जुबाव को आप एक बार मेडिकल टेस्ट कर लीजिए, फिर आप उनको दौड़ने के लिए आप उनको अनुमति दीजिए। और जुबाव को दौड़ने का पहले और दौड़ने का बाद कम से कम एक ग्लास दूध और एक फ्रूट्स आप देने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम जुबाव को दौड़ने का पहले, कोई जुबा होगा, गरीब जुबा रात भर ट्रेन में आया होगा, खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा उनका पास, गरीब घर का बेटा है, कुछ खाया भी नहीं होगा और सीधा वो लोग दौड़ने में निकाल पड़ा, ऐसा व्यवस्था एक सैभव देश में कभी भी स्वीकृति नहीं है। मेरा निवेदन होगा जो भी बच्चा आते हैं, जो रात में आता है, उनको आप पहले थोड़ा रेस्ट लेने का व्यवस्था कीजिए। कम से कम एक ग्लास दूध और एक एप्पल आप खिलाइए, फिर उनको दौड़ने के लिए आप मौका दीजिए। दौड़ने का पहले मेडिकल चेकअप कीजिए और 15 सितंबर तक, मैं ज्यादा दिन नहीं बोला हूं, खाली 15 दिन तक ये बहाली आप रद्द कर दीजिए। नहीं तो ये 15 दिन में और 10 जुबाओं को और 5 जुबाओं और 15 जुबाओं का मृत्यु होने का पूरा की पूरा संभावना है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये सभी परिवार जनों को मिलने के लिए काम करूंगा और हमारा पार्टी का ओर से सारे परिवार जनों को 1-1 लाख रुपया का हमने थोड़ा सा सम्मान राशि उनको देने के लिए काम करूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि झारखंड सरकार उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनका घर में 1-1 नौकरी देने का काम करे। अगर वो नहीं देते हैं, अगली 7 दिन में हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला जाऊंगा, वहां हम अपील करूंगा। और जब हमारा बीजेपी का सरकार 3 महीना का बाद झारखंड में बनेगा, ये सारे फैमिली को हम न्याय देने का काम करूंगा। फिलहाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है, हर परिवार को हम 1-1 लाख रुपया, हम सरकार में नहीं हूं, हम छोटा सा सम्मान राशि उनको देने का काम करूंगा। हमारा पार्टी का नेतागण हर फैमिली का घर में जाएगा, अगले 1 सप्ताह परिवार जनों को मिलेगा, हम उनको दुख, उनका जो लॉस्ट हुआ उनके लिए दुख का भी हम बैक करूंगा और साथ साथ में हम उनके लिए संघर्ष करने का हम कसम भी खाएगा। तो इसी विषय के लिए हम आप लोगों को आज बुलाया था। मेरा फिर हेमंत सोरेन जी से निवेदन होगा, 15 सितंबर तक, हम ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूं, खाली 15 दिन ये बहाली को रद्द कीजिए, ये परीक्षा को रद्द कीजिए, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। पोस्ट कितना है टोटल? 583। ऐसे ही पोस्ट ऐसा नहीं है, 583 है कि आप चुनाव का आचार संहिता से पहले देना ही है, नहीं तो आपका सरकार नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। थोड़ी ही पोस्ट है, 583 ही पोस्ट है, 583 पोस्ट है। 15 सितंबर से आप चालू करेगा, अक्टूबर तक आप खत्म कर ले पाएगा। और हम भी चुनाव आयोग को बोलूंगा पार्टी का ओर से कि एग्जाम भी चलते रहे, चुनाव भी चलते रहे, कोई असुविधा नहीं है, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बात नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग जुबाओं को मित्रों से बसाना है, जीवन को रक्षा करना है। और मैं झारखंड सरकार को दोबारा निवेदन करूंगा कि 1 ग्लास दूध और 1 एप्पल जरूर खिलाइए, मेडिकल चेकअप का बाद ही उनको दौड़ने के लिए आप इजाजत दीजिए, नहीं तो ये बड़ा आफत होने वाला है। अगर ये संख्या 30-50 तक पहुंच जाएगा, पूरा देश का मीडिया, देश का लोग इसी सरसा में व्यस्त हो जाएगा, हमारे झारखंड का ही बदनाम होगा और कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये हेमंत सोरेन जी से विनम्र निवेदन है, ये मत सोचिए कि हम
पॉलिटिकल ओपोनेंट है, इसलिए आपको ये निवेदन कर रहा हूं, ये युवा आपका भी भाई है, आपका भी बेटा है, उसका कारण ही मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं। यात्रा का बारे में आपको बाबूलाल जी एक बार पूरा फाइनल हो जाने का बाद सूचना दे देगा। देखिए असम में कोरोना टीका लगाने का बाद दो बार इंटरव्यू हुआ है, दो बार दौड़ हुआ है, कोई लोग नहीं मरा है। ऐसा तो नहीं था कि झारखंड का कोरोना का टीका अलग था और असम का कोरोना का टीका अलग था। ये कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद सीआरपीएफ में कितना बहाली हुआ, कोरोना टीका लेने का बाद कितना अग्निवीर में कितना बहाली हुआ, एक झूठ का भी एक सीमा होना चाहिए। आप लोग जरूर इनको प्रश्न कीजिए, जब भी ऐसा झूठ का सहारा लेते हैं आप लोग उनको जरूर प्रश्न कीजिए कि आपके कोरोना का टीका कोई अलग था क्या, अग्निवीर में यह किया क्यों घटना नहीं हुआ। 2021 का बाद असम में कम से कम 20,000 पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति हुआ है, एक ही फिजिकल टेस्ट है, तब क्यों कोई नहीं मारा। सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है, बीएसएफ में नियुक्ति हुआ है, झारखंड का युवाओं का भी नौकरी मिला है, अग्निवीर में झारखंड का युवाओं को नौकरी मिला है, कोई एक व्यक्ति भी तो नहीं मरा है। आपको शर्म नहीं लगता है कि आप इसका साथ भी आप कोरोना का टीका को आप संयोजन करने का कोशिश करेगा, अब कितना आप गिरेगा, आप कितना अपने आप को आप कहां ले जाना चाहते हो, आप बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कोरोना टीका लेने का बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अग्निवीर का रिक्रूटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एनसीसी का मास पास हुआ है कि नहीं हुआ है, सीआरपीएफ में नियुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है, देश भर का प्रदेशों में पुलिस का नियुक्ति हुआ है कि नहीं नियुक्ति हुआ है। ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ का भी सीमा होता है। आपको लगता है कि जो झारखंड का जो आबोहवा है, यहाँ के जो एनवायरमेंट है, देखिए मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये एग्जाम लीजिए, अगस्त में आप शायद 10 किलोमीटर दौड़े, शायद 5 किलोमीटर दौड़े, हर पुलिस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, कहीं में नक्सल से फाइट करना है, कहीं में पहाड़ों में जाना है, जंगलों में जाना है, हर स्टेट का पुलिस का नियुक्ति का अलग अलग मानदंड होते हैं। लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त में एग्जाम करेगा तो बच्चा कैसे इसको सहेगा, गरीब घर का बेटा बेटी है, कोई गांव से आते हैं, रेल से आते हैं, सुबह कुछ नहीं खाते हैं, क्या आप एक गिलास दूध नहीं दे सकते हो, एक एप्पल आप नहीं खिला सकते हो, आपका पास तो पैसा का कोई समस्या नहीं है, हर दिन आप नया नया योजना का घोषणा कर रहा है। आप इशू को ह्यूमन एंगल से आप देखिए, एक गिलास दूध में कितना पैसा जाएगा, एक एप्पल में कितना पैसा जाएगा। 15 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था जुलाई 2023, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना समय में आप कर लेते थे तो आपका एक बच्चा भी नहीं मरते थे। तो अब ये 15 लोगों का कैसे निधन हुआ, सरकार को सीबीआई इंक्वायरी देना चाहिए। अगर सब कुछ है फिर भी युवाओं का मृत्यु हो रहा है तो हेमंत सोरेन जी सरकार को सीबीआई का इंक्वायरी देना चाहिए। देखिए अक्टूबर से हम बड़ा मैया योजना का घोषणा करने वाला हूँ, और अगर बीजेपी एफिडेविट भी देना है कि हम मैया योजना को 100% सपोर्ट करता हूँ, हम एफिडेविट भी डाल दूंगा कोर्ट में। इसलिए हमारा लक्ष्य ये मैया योजना से भी बड़ा मैया योजना लाने का, हम लगभग सितंबर में हमारा फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका हूं।
और बड़ी ही अच्छा मैया योजना हम लेके आ रहा हूं। तो इसीलिए ये मैया योजना अगर बंद होगा तो हमारे मैया योजना कैसे आएगा। तो इसीलिए अगर सीएम साहब साथे है, बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट में एफिडेविट कर देगा कि बीजेपी का 100% सपोर्ट मैया योजना में है। अरे पीआईएल वाला को आप अरेस्ट कर लो ना।